हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कि जितना भी टॉस में हम लोग को पढ़ना है, मतलब थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में जितना भी इस चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हम लोग का फार्मूलाज हैं, वो फार्मूला के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, वो जो फार्मूला उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो फार्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, तो एग्ज़ाम में जाकर बनाने में आसानी होगी। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज। देखिए, सबसे पहला हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। पहला है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। देखिए, इसमें एक चीज़ था कि रिलेशन बिटवीन स्लोप डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिलेशन बिटवीन स्लोप डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये इम्पोर्टेंट का प्रूफ भी आप लोग से पूछ सकता है कि इसको प्रूफ करके बताएं। तो वो फार्मूला आता है एम बराबर ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एम है यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट है, और ई है यहाँ पे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और आई है, जो ये आई दिख रहा होगा, ये आई है मोमेंट ऑफ इनर्जी, और यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये है डबल डिफ्रेंशिएशन। ये फार्मूला को हम प्रूफ किए करवाए हैं, अगर नहीं अभी तक देखे होंगे तो आप लोग जाके चैनल में देख लीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा इसका प्रूफ। और ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और देखिए, सेकेंड है कि जब सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा, दोनों के लिए सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा और उस पर पॉइंट लोड लग रहेगा और वो मिडिल में रहेगा। जैसे देखिए, ये है सिंपली सपोर्टेड बीम ऐसे है, और इस पर यहाँ डब्लू पॉइंट लोड लग रहा है। तो इसमें देखिएगा कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम स्लोप इसमें अब हम लोग को पूछ सकता है एग्जाम में कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा और मैक्सिमम स्लोप कहाँ होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि जब सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर पॉइंट लोड लग रहा हो और वो पॉइंट लोड मिडिल में लग रहा हो, तो मैक्सिमम स्लोप देखिए जो भी बनेगा, यहाँ लिखा हुआ है मैक्सिमम स्लोप जो भी बनेगा वो डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 16 ई आई, ये होगा मैक्सिमम स्लोप। और ये स्लोप जो भी आएगा वो रेडियन में आएगा, और ये देखिए मैक्सिमम स्लोप हमेशा और हमेशा सपोर्ट पे बनेगा। कहाँ बनेगा? सपोर्ट पे, ये ध्यान में रखिएगा। और देखिए, इसमें इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाई सी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा? जहाँ पे लोड लग रहा हो, जिस जगह पे लोड लग रहा हो। जैसे देखिए, यहाँ पे लोड कहाँ लग रहा है? मिडिल में लग रहा है, ये ऐसा सपोर्ट है, और यहाँ मिडिल में लोड लग रहा है डब्लू लोड। तो ये डब्लू लोड के चलते मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, वाई सी दिख रहा हो, यही है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। और ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डब्ल्यू एल क्यूब बटा 48 ई आई होता है, और ये हमेशा और हमेशा निगेटिव में होगा। निगेटिव में क्यों? क्योंकि ये देखिए नीचे डाउनवर्ड में डिफ्लेक्ट हो रहा है, यही से डाउनवर्ड में डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसी के चलते इसका वैल्यू निगेटिव होता है। ये है डिफ्लेक्शन वाई सी। ये कब होगा? सिंपली सपोर्टेड बीम में, और जब लोड पॉइंट लोड लगेगा बीच में, तब ये कंडीशन होगा। और देखिए, जब हम लोग को इसेंट्रिक लोड लगेगा, इसेंट्रिक लोड मतलब कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर बीच में लोड नहीं लग के कहीं इधर उधर लग रहा हो, या इधर लगेगा या एक और ऐसे बना के कहीं इधर लगा दें, ऐसे अगर इस टाइप का लगेगा लोड, तब इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम स्लोप कहाँ कहाँ बनेगा वो देखिए। यहाँ लिखा हुआ है एन इसेंट्रिक पॉइंट लोड, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो देखिएगा यहाँ आप लोग को लिखा हुआ है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमेशा और हमेशा लॉन्गर स्पेन में होगा। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ तक बी है, तो लॉन्गर स्पेन ये वाला है बी, मतलब जो भी इसमें डिफ्लेक्शन होगा तो हमेशा और हमेशा लॉन्गर स्पेन में होगा, और मैक्सिमम स्लोप हमेशा और हमेशा स्मॉलर स्पेन में होगा, ये ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमेशा और हमेशा लॉन्गर स्पेन में होगा, और मैक्सिमम स्लोप हमेशा और हमेशा स्मॉलर स्पेन में होगा, ये ध्यान रखिएगा। जब इसेंट्रिक लोड लगेगा तब, और इसका कितना होगा? जैसे देखिए, आई ए मतलब यहाँ ए है इस जगह पे, ये पॉइंट पे, तो यहाँ मैक्सिमम स्लोप कितना बनेगा? डब्ल्यू बी बटा 6 ई आई एल, ब्रैकेट में होगा एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम लोग का यहाँ मैक्सिमम स्लोप बनेगा। और बी पे देखिए, यहाँ बी पे, यहाँ पे मैक्सिमम स्लोप नहीं बनेगा, तो अगर लेकिन यहाँ भी कुछ स्लोप बनेगा, और वो कितना स्लोप बनेगा? यहाँ देखिए लिखा हुआ है डब्ल्यू ए बटा 6 ई आई एल, फिर ब्रैकेट में एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होगा मैक्सिमम स्लोप। और जो मैक्सिमम स्लोप मतलब पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पे जो भी स्लोप बन रहा हो, और मैक्सिमम स्लोप कहाँ बनेगा? पॉइंट ए पे। पॉइंट ए पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर स्पेन में बन रहा है, स्मॉलर स्पेन में हमेशा और हमेशा मैक्सिमम स्लोप बनेगा। और देखिए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन,
मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हम लोग को हमेशा और हमेशा लॉन्गर, यहाँ जो लॉन्गर स्पेन है वो लॉन्गर स्पेन में हमेशा और हमेशा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। तो लॉन्गर स्पेन कहाँ था, ये बी, तो कहीं ई ऐसे इस तरह से ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक। और देखिए, और ये जो पॉइंट सी है इस पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन होगा, वो है यहाँ लिखा हुआ है माइनस डब्ल्यू ए बी, यहाँ देखिए यहाँ माइनस डब्ल्यू ए बी बटा सिक्स ई आई एल इंटू एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये सब अगर प्रूफ, ये सब प्रूफ करने के लिए देगा नहीं, अगर दे भी दे तो आप लोग मैकॉले मेथड से जो भी पढ़े होंगे वो मैकॉले मेथड से आराम से ये प्रूफ हो जाएगा, तो उतना हड़बड़ाइएगा मत कि कितना हार्ड है। और देखिए यहाँ पे वाई मैक्स, और यहाँ देखिए ये तो सी पे हम लोग को मालूम चला कि सी पे कितना स्लॉप बनेगा, अब यहाँ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लॉन्गर लॉन्गर स्पेन में होगा, तो लॉन्गर स्पेन में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है वाई मैक्स, ये है वाई मैक्स, वाई मैक्स कितना होगा डब्ल्यू ए बटा नाइन अंडर रूट थ्री ई आई एल इंटू एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के पावर थ्री बाई टू, ये हम लोग का मैक्सिमम स्लोप होगा, सॉरी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। ये कब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, जब इसेंट्रिक पॉइंट लोड लगेगा तब ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। और देखिए, और अगर हम लोग को यू डी ए लगाओ, मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम हो, सिंपली सपोर्टेड बीम हो और उस पर यू डी ए लोड लगा हुआ है, अगर यू डी ए लोड लगा हुआ होगा तब देखिए क्या होगा, इसमें जो मैक्सिमम स्लोप बनेगा वो मैक्सिमम स्लोप सपोर्ट पे ही बनेगा, और ये जो दोनों सपोर्ट है, यहाँ जो दोनों सपोर्ट है ए और बी, यही इसी पे हम लोग को मैक्सिमम स्लोप बनेगा। और देखिए वो मैक्सिमम स्लोप कितना होगा, डब्ल्यू एल क्यू बटा 24 ई आई, आई ए बराबर भी इतना होगा, मतलब यहाँ का जो ये स्लोप बनेगा ए पर और बी पर भी जो स्लोप बनेगा वो आई ए बराबर डब्ल्यू एल क्यू बटा 24 ई आई, और आई बी, आई यहाँ स्लोप को डिनोट कर रहा है, आई बी बराबर भी डब्ल्यू एल क्यू बटा 24 ई आई। और इसमें अब देखिएगा कि ये तो हम लोग को स्लोप मालूम चला, और अब इसमें डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो डिफ्लेक्शन देखिएगा, डिफ्लेक्शन के लिए यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा कि वाई मैक्स, वाई मैक्स बराबर, और वाई मैक्स हमेशा और हमेशा ये सेंटर में होगा पॉइंट जहाँ पे टोटल लोड एक्ट करेगा, क्योंकि यूडीएल है, यूडीएल लोड है, तो जो इसका इंटेंसिटी है और जितना दूर स्पेन है उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को लोड निकल जाएगा, और वो लोड कहाँ लगेगा, सीजी पर, तो सीजी पर ही हम लोग का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, और वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, वाई मैक्स बराबर डब्ल्यू फाइव डब्ल्यू एल के पावर फोर बटा 384 ई आई, यहाँ डब्ल्यू ये छोटा डब्ल्यू है, छोटा डब्ल्यू मीन्स यूनिट वेट, ये यूनिट वेट है, और अगर इसी को बड़ा डब्ल्यू में चेंज करना मतलब पॉइंट लोड में, तो फाइव डब्ल्यू एल क्यूब बटा 384 ई आई, ये होगा। और देखिए, और अब देखिए, अब पढ़ते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर, अगर कैंटिलीवर बीम रहेगा तो उसमें कितना डिफ्लेक्शन हो सकता है और कितना उसमें स्लोप बन सकता है। देखिए ये कैंटिलीवर बीम है, ये स्पेन है, इस पर डब्ल्यू लोड लगा हुआ है और एल डिस्टेंस का स्पेन है, तो इस पर देखिए मैक्सिमम, हमेशा और हमेशा इसमें ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमेशा और हमेशा फ्री एंड पर रहेगा, तो फ्री एंड पे बी पे है तो वहीं होगा, तो यहाँ मैक्सिमम स्लोप कितना होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा टू ई आई, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा डब्ल्यू एल क्यूब बटा थ्री ई आई। देखिए इसमें एक हम याद करने का कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि यहाँ देखिए मैक्सिमम स्लोप डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा टू ई आई, तो अगर यहाँ स्क्वायर है मतलब दो है, तो अगर दो ऊपर रहेगा तो नीचे भी दो रहेगा, और यहाँ डिफ्लेक्शन में डब्ल्यू एल क्यूब बटा थ्री ई आई, तो अगर यहाँ डब्ल्यू एल क्यूब रहेगा ऊपर में क्यूब है तो नीचे भी थ्री ई आई, ऐसे याद कर लीजिएगा। ये तो पॉइंट लोड लग रहा था तब का ये हुआ, और देखिए अगर यू डी ए लोड लगे, यू डी ए लोड लगेगा तब भी हम लोग का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, वहीं पे फ्री इंड पे ही होगा, और मैक्सिमम स्लोप भी वहीं पे बनेगा, तो वो देखिए कितना होगा, मैक्सिमम स्लोप हम लोग को मिल जाएगा डब्ल्यू एल क्यू बटा सिक्स ई आई, और ये सब जितना भी स्लोप मिलेगा सब रेडियन में, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डब्ल्यू एल के पावर फोर बटा एट ई आई, डब्ल्यू एल के पावर फोर बटा एट ई आई, ये याद रखिएगा। अब देखिए, अब फिक्स्ड बीम में चलते हैं, फिक्स्ड बीम में अब हम लोग को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फिक्सिंग बेंडिंग मोमेंट हम लोग को पूछ सकता है, कि मतलब दोनों करे फिक्स है, दोनों करे फिक्स दे देगा और बोलेगा कि इसका मैक्सिमम फिक्सिंग बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम फिक्सिंग बेंडिंग मोमेंट डब्ल्यू एल बाई एट, और ये हमेशा और हमेशा निगेटिव होता है, हमेशा निगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि ये हॉगिंग होता है, तो ये कितना होता है डब्ल्यू एल बाई एट। और देखिए इसमें ये भी पूछ सकता है कि मतलब
फिक्स्ड बीम रहेगा और उस पर जो डब्ल्यू लोड लगा हुआ है बीच में सेंटर पे, उस लोड के चलते उसमें डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो देखिए डिफ्लेक्शन बराबर हो सकता है डब्ल्यू एल क्यू बटा 192 EI। तो ये भी याद रखने के लिए अच्छा है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसमें कितना हो सकता है, तो वो है डब्ल्यू एल क्यू बटा 192 EI। और देखिए और फिक्स बीम है, फिक्स बीम में अभी हम लोग पढ़े कि अगर पॉइंट लोड लगेगा तो इसका कितना फिक्सिंग बेंडिंग मोमेंट होगा और कितना डिफ्लेक्शन होगा। और अगर देखिए अगर वो पॉइंट लोड नहीं लगे, मतलब इसेंट्रिक लोड लगे, पॉइंट लोड बीच में नहीं लगेगा, तो इधर से ए डिस्टेंस पे लग रहा है और इधर से बी डिस्टेंस पे लग रहा है, अगर ऐसे हो तब इसका कितना फिक्सिंग बेंडिंग मोमेंट होगा और इसका कितना डिफ्लेक्शन होगा। वो देखिए यहाँ फिक्सिंग बेंडिंग मोमेंट इसका अगर एम ए पे निकालना हो, दोनों तरफ यहाँ अलग अलग होगा, अगर एम ए पे निकालना हो तो होगा डब्लू ए बी स्क्वायर बटा एल स्क्वायर। यहाँ ध्यान में रखिएगा कि अगर ए पर निकालना हो तो बी का स्क्वायर होगा, ठीक, और अगर बी पर निकालना हो एम बी तो ए का स्क्वायर होगा। यहाँ ये ध्यान में रखिएगा, जैसे देखिए अगर हम लोग एम बी निकालें तो एम बी के लिए क्या होगा डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बटा एल स्क्वायर, और अगर एम ए का निकालना हो एम ए का तो डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बटा एल स्क्वायर। ये ध्यान में रखिएगा, इसमें थोड़ा अपोजिट होता है कि ए को निकालना होगा तो बी को स्क्वायर होगा और बी पर निकालना है तो ए का स्क्वायर होगा। और देखिए यहाँ डिफ्लेक्शन अंडर लोड, अंडर लोड मतलब देखिए यहाँ जो डिफ्लेक्शन बीच में तो होगा नहीं मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि यहाँ इसेंट्रिक लोड लग रहा है, अगर पॉइंट लोड लगता तो डिफ्लेक्शन बीच में मैक्सिमम होता। तो अगर देखिए अगर इसेंट्रिक लोड लग रहा है और जहाँ पर लोड लग रहा है वहाँ पर उसका मैक्सिमम, वहाँ पर डिफ्लेक्शन जहाँ पर लोड लग रहा है उसका डिफ्लेक्शन होगा डब्ल्यू ए क्यूब इंटू बी क्यूब बटा 3L³ EI। ये डिफ्लेक्शन अंडर लोड होगा और इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, यहाँ देखिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसका होगा -2/3 × WA³B² / 3AB² EI। ये होगा इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। और देखिए और अगर दोनों तरफ फिक्स बीम रहेगा, दोनों तरफ फिक्स है और उस पर हम लोग पढ़े अभी पॉइंट लोड पढ़े और भी पॉइंट लोड एक सेंटर में और एक सेंट्रिक डिस्टेंस में, और अगर देखिए उस पर UDL लोड लगे, अब तो UDL लोड लगेगा तब क्या होगा उसका मैक्सिमम फिक्सिंग बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम फिक्सिंग बेंडिंग मोमेंट इसका दोनों पॉइंट पे सेम होगा एम ए पर भी और एम बी पर भी। तो वही यानी लिखा हुआ है फिक्सिंग मोमेंट एम ए बराबर एम बी बराबर WL² / 12। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में और जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम का चीज़ है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। और है एक, अब देखिए अब इसमें डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तो इसमें बीच में होगा क्योंकि UDL लोड लगा हुआ है, UDL जितना इंटेंसिटी से लोड लगा हुआ है उसको अगर लेंथ से गुना करेंगे तो हम लोग को लोड निकल जाएगा, और वो लोड कहाँ लगेगा CG में बीच में, तो उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा WL⁴/384 EI। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है WL⁴/384 EI। अब देखिए अब है थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट, मतलब थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट एक इसका और दूसरा नाम हम लोग बोल सकते हैं कंटिन्यूअस बीम, या इसको बोल सकते हैं क्लैपेरेंस थ्योरम। इसमें क्लैपेरेंस थ्योरम का बहुत यूज होता है, देखिए वो क्लैपेरेंस थ्योरम क्या होता है, उसमें अगर देखिए ये कंटिन्यूअस बीम है, मतलब दो से ज़्यादा बीम है इस टाइप का, ऐसे बीम रहेगा तो इस पॉइंट को अगर हम लोग ए मान लें, इसको बी मान लें, सी मान लें, इस टाइप का अगर रहेगा तो इसमें अगर हम लोग को बी का मोमेंट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, उसी का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है कि एम ए इंटू एल वन प्लस एम बी इंटू एल टू प्लस 2MC इंटू एल वन प्लस एल टू प्लस 6A1X1 / L1 + 6A2X2 / L2 = 0। ये कब होगा जब यूनिफॉर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तब इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक, जब मतलब यूनिफॉर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तब हम लोग इसका यूज करेंगे। और इसमें सब बताया हुआ है कि MA जो यहाँ MA है, MA है वो A का मोमेंट होगा और
एम बी है वो बी का मोमेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड रहेगा तो एम ए का मोमेंट और एम बी का मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो एम सी का मोमेंट से निकाल के यहाँ सब फाइंड आउट हो सकता है अंदर वाला मोमेंट कैसे कैसे होगा। से इसका हम बता चुके हैं कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, अगर अभी तक नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए, चैनल पर मिल जाएगा आप लोग को। अब देखिए अब आते हैं एम डी एम में, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में। देखिए मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में जो भी न्यूमेरिकल को सोल्यूशन करते हैं वो हम लोग फिक्सिंग बेंडिंग मोमेंट पे सोल्यूशन करते हैं। जो भी बीम दिया हुआ रहता है और जिस टाइप का लोड रहता है, जिस टाइप का सपोर्ट रहता है, उसके अनुसार हम लोग फिक्सिंग बेंडिंग मोमेंट लगा देते हैं और वहाँ से निकालते हैं। उसमें देखिए एक स्टिफनेस फैक्टर होता है, स्टिफनेस फैक्टर में देखिएगा कि स्टिफनेस फैक्टर में अगर दोनों तरफ सिंपल सपोर्ट रहेगा तो उसका स्टिफनेस फैक्टर 3EI/L होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और अगर एक तरफ फिक्स दे देगा और दूसरा तरफ फ्री इन रहेगा, एक तरफ फिक्स रहेगा और दूसरा तरफ फ्री इन, तब 4EI/L होगा। यहाँ 4E है मोमेंट ऑफ इनर्सिया, E है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, I है मोमेंट ऑफ इनर्सिया और L है लेंथ ऑफ स्पेन, ये यहाँ ध्यान में रखिएगा। और देखिए एक लास्ट है स्ट्रट एंड कॉलम। स्ट्रट एंड कॉलम में दो साइंटिस्ट थे, वो अपना अपना फार्मूला दिए हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। पहला था यूलर्स फार्मूला, तो यूलर्स फार्मूला होता है ये लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड होता है, यूलर्स फार्मूला लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड होता है, ये शॉर्ट कॉलम के लिए वैलिड नहीं है। और वो बोले थे कि ये जो मेरा जो भी कॉलम स्ट्रेंथ लेगा, लोड सहेगा, वो कितना अनुसार कितना लोड सहेगा, पाई स्क्वायर EI/LE/2। यहाँ जहाँ पे LE है इफेक्टिव लेंथ, और ये इफेक्टिव लेंथ हम लोग को पता होगा कि इफेक्टिव लेंथ कैसे पता करते हैं कि कॉलम के इंड सपोर्ट पे कैसा सपोर्ट दिया हुआ है। अगर फिक्स रहेगा तो उसका क्या होगा इफेक्टिव लेंथ, अगर एक तरफ फिक्स रहेगा दूसरा तरफ हिंज रहेगा तो उसका क्या होगा, और अगर दोनों एक तरफ फिक्स रहेगा एक तरफ फ्री होगा तो उसका इफेक्टिव लेंथ कैसे निकलेगा, वो सब हम बता चुके हैं, एक बार देख लीजिएगा, वो इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। और देखिए यहाँ तो यूलर्स फार्मूला था, और एक और फार्मूला होता है क्रिपलिंग फार्मूला। क्रिपलिंग लोड के लिए देखिए एक और था रैंकाइन फार्मूला। तो रैंकाइन फार्मूला में होता है 1/PR बराबर 1/PCS + 1/PE। यहाँ पे PR है क्रिपलिंग लोड बाय रैंकाइन फार्मूला, PCS है क्रशिंग लोड फॉर कॉलम, और PE है यहाँ PE है यूलर्स क्रिपलिंग लोड। तो जो ये रैंकाइन फार्मूला बना था वो यूलर्स का फार्मूला को यूज करके ही बनाया गया था। तो रैंकाइन फार्मूला है कि जितना भी टाइप का कॉलम रहेगा, शॉर्ट रहे, लॉन्ग रहे, मीडियम कॉलम रहे, सब कॉलम के लिए ये फार्मूला वैलिड था। तो ये फार्मूला यहाँ पे देखिए सोल्यूशन किया हुआ है, ये फार्मूला लास्ट में जाकर रुकता है, हम लोग को फाइनल वैल्यू मिलेगा 1/PR = PCS/1α/LE/K² जहाँ पे देखिए सब बताया हुआ है कि ए है रैंकाइन कांस्टेंट, जो यहाँ पे ए आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ ए है रैंकाइन कांस्टेंट, और एल ई है इक्विवेलेंट लेंथ या इफेक्टिव लेंथ, के है लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया, और पी सी एस है क्रशिंग लोड ऑफ कॉलम मटेरियल। यही था इसमें हम लोग को टोटल टॉस में फार्मूला पढ़ना। आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।